Hey guys, welcome to Gizmo Brain DIY Tools Tech YouTube channel with me, Biraj. और सीखने सिखाने का ये और एक दौर है। चलिए, अभी हमारा यूपीएस रिपेयर होके आ गया है, कार्ड रिप्लेस हुआ है और मॉस्फेट जो थे चार्जिंग सेक्शन में वो रिपेयर हुए हैं। ये 48 वोल्ट का पावर बैंक है, बैटरी बैंक 48 वोल्ट डीसी, और ये 5 kVA का इन्वर्टर। तो क्योंकि ये 48 वोल्ट से है, डायरेक्टली अगर हम लोग वो नेगेटिव पहले हमने लगाया है वहाँ पे, उसके बाद अगर डायरेक्टली पॉजिटिव लगाते हैं तो आर्सिंग होता है, बड़ा सा स्पार्क होता है, इसलिए वो नहीं होगा। उसके लिए एक जुगाड़ है, एक टेक्नोलॉजी, वो बताएंगे और ये देखेंगे कि ये जुगाड़ सक्सेसफुल है भी या नहीं। ऐसा एक बल्ब लीजिए, ये हमारे दीपक भाई हैं, काम कर रहे हैं। तो क्या होता है, लाइट ऑफ करता हूँ, अभी पीसीबी ऑन हो गया, बल्ब जल नहीं रहा है लेकिन एक बड़ा सा रेजिस्टेंस जैसे काम कर रहा है। तो हमारा जो कैपेसिटर बैंक रहता है वो अभी चार्ज हो रहा है। जब हम अभी पॉजिटिव लगाएंगे टर्मिनल में स्पार्क नहीं होगा। ये जो बल्ब हम यूज़ कर रहे हैं ये नॉर्मल जो 200 वोल्ट्स, 230 वोल्ट्स और 200 वाट्स है। तो गाइस, जैसे हमने देखा कि बहुत ही बड़ा सा स्पार्क हुआ, दिस वाज एब्सोल्यूट फेल। शायद थोड़ा और ज्यादा टाइम चाहिए था या फिर कोई दूसरे वोल्टेज का बल्ब, नॉट श्योर। तो बैटरी बैंक कनेक्ट करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि मेन पावर ऑन है पर मेन स्पार्क इंडिकेशन नहीं आ रहा है। द यूपीएस इज ऑन, आई थिंक द यूपीएस नीड्स टू बी रिपेयर्ड, बाकी कुछ काम नहीं कर रहा, वी नीड टू फिक्स दिस। सो गाइज, मैं ऐसा ही काम करते रहता हूँ, सक्सेसफुल हूँ या फिर फेल हो जाऊँ, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सो दैट वी कैन लर्न टुगेदर एंड ग्रो।